हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से पहले हमको जानना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो जो नंबर छोटा है उसको पहले लिखना है, तो छोटे से बड़े फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 3,16,234। 3,16,200 ये एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर दिया है, ये एक नंबर दिया है और ये एक नंबर दिया है। तो फर्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और बेसिक्स में भी बताया था, सबसे पहले काम जब भी अरेंज दिया, अरेंजिंग दिया हो, असेंडिंग डिसेंडिंग या कंपेयर दिया हो, फर्स्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है डिजिट को। हमेशा याद रखिए, काउंट करना है डिजिट को। तो इसमें कितना डिजिट है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये कितना है, 6 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, तो ये 6 डिजिट का नंबर है। ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है 7 डिजिट का नंबर। तो ये कितना है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट का नंबर। तो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 8 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा डिजिट किस में है, 6 है, 7 है, 5 है, 8 है। तो 6, 7, 5, 8 में सबसे छोटा नंबर क्या है, ये वाला सबसे छोटा है, 5 वाला, मतलब 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा होगा। तो ये क्या होगा, 60643, ये नंबर सबसे छोटा है। उसके बाद ये वाला, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये वाला साइन होता है कि ये वाला छोटा नंबर है। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए, इससे थोड़ा बड़ा कौन सा, ये वाला नंबर है, क्योंकि इसका काउंट इसके बाद आता है, 5, 6, 7, 8। तो ये नंबर पहले आएगा सबसे छोटा, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, ये नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3,616,234। तो ये क्या हो गया, उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर से ये साइन देना है। उसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, फिर ये वाला नंबर लिखना है। इसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर से साइन देना है आपको, यहाँ पे साइन देना है, फिर ये वाला नंबर लिखना है, 7,462,9,432, वापस ये नंबर लिखना है। आई होप आपको समझ आया होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो आपको क्या करना है, डिजिट को काउंट करना है, डिजिट को काउंट करना है, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो फर्स्ट वाला मैंने बता दिया, और एक सेकेंड में आपको बता दूंगी, सेकेंड का मैं आपको बता दूंगी, तो बाकी का थर्ड और फोर्थ आप करिएगा। तो सेकेंड में दिया है, सेकेंड और थर्ड का सेकेंड बिट में दिया है 2,34,517, 3,65,164, 2,02,615, 3,27,165। तो वही नंबर को मैंने क्या किया है, कॉपी में यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो इसका अभी क्या करना है, मैं बताऊंगी इसका, ये कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखना है। तो फर्स्ट क्या करना है, नंबर्स डिजिट को काउंट करना है। यहाँ पे कितना डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है, यहाँ पे कितना डिजिट है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है, यहाँ पे कितना डिजिट है, 6 डिजिट, यहाँ पे कितना डिजिट है, 6 डिजिट। तो सबका 6-6 डिजिट है। तो अब क्या करना है, जब मैंने आपको बताया था अगर डिजिट काउंट सेम होता है तो कहाँ से कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 2, 2 पहले 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कौन सा छोटा है, 2 बड़ा, 2 छोटा है कि 3 छोटा है, 2 छोटा है। तो फर्स्ट ये दो नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो उसके बाद ये 2, 2 आ गया, उसके बाद क्या नंबर है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 3 छोटा है ना 0 छोटा है, 0 छोटा है, तो फर्स्ट वो नंबर लिख देंगे। तो ये नंबर सबसे छोटा है, तो ये नंबर सबसे छोटा हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा, 2, 3, 4, 5, 1, 7, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा। अब आएंगे 3 में, तो 3 में देखिए, 3 में कौन सा ये नंबर सबसे छोटा है, यहाँ पे 3, 3 दोनों सेम है,
उसके बाद क्या है, यहाँ सिक्स है और यहाँ पे टू है, तो सिक्स छोटा है कि टू छोटा है? टू छोटा है, तो ये वाला नंबर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, इन दो नंबर से ये छोटा होगा, 2, 7, 1, 6, 5। उसके बाद कौन सा, यही बाकी रहा, तो ये हो गया नेक्स्ट नंबर 3, 6, 5, 1, 6, 4। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट काम होता है आपको काउंट करना है डिजिट को, डिजिट को काउंट करना है। सेकंड क्या होता है, कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करना है, कंपेयर फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से आपको कंपेयर करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो इसको सबसे बड़ा फाइंड करना है फर्स्ट, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, ऐसे फाइंड करना है। तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे नंबर कहाँ दिया, ये वाला जो साइन है इसका मतलब ये वाला एक नंबर है, फिर ये वाला एक नंबर है, यहाँ पे और एक नंबर दिया है, यहाँ पे और एक नंबर। तो ये चार में से सबसे पहले फाइंड करना है हमें, सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, कौन सा सबसे बड़ा होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या है, कितना डिजिट है इस नंबर में, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट है इसमें भी, तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो सारा देखिए 9 डिजिट है। तो अब कहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, राइट से, लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। ये क्या है, सारा डिजिट तो सेम है, तो अब क्या होगा, लेफ्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, ये क्या है, 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे सारा 4 है, तो यहाँ पे ये वाला सारा सेम हो गया। उसके बाद अब सेम हो गया, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को जाएंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये भी सारा सेम हो गया। तो अब यहाँ से भी नेक्स्ट डिजिट को जाएंगे क्योंकि सेम सेम है। यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे मार्क करिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 6 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, तो 1, 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है या 3 बड़ा है, 6 सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट क्या होगा, ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा, 8, 9, 1, 2, 0। तो ये नंबर का काम खत्म हो गया, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 और ये 3, 3, तो ये 1, 3, 3, तो ये दोनों, 1 छोटा है, सबसे छोटा 1 है, तो ये वाला नंबर अभी यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये नंबर क्या है, सबसे लास्ट में आएगा ये नंबर, मतलब सबसे लास्ट जो सबसे छोटा है वो नंबर में ये नंबर लिखा जाएगा क्योंकि ये 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, 5, 1, 0, 0, 9, 8, 7, 6। तो ये क्या होगा, सबसे छोटा नंबर हो गया। अब इन दोनों में से मुझे फाइंड करना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यहाँ 3, 3 तक हमने कंपेयर कर लिया था, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया। तो 5 और 0 मतलब ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 0 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। उसके बाद तो 4, 5, 3, 5, 8, 9, 1, 2, 0, उसके बाद ये नंबर आएगा 4, 5, 3, 0, 0, 9, 8, 8, 8, 7, 6। तो ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे भी ये साइन दे देंगे, ये वाला साइन। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने फर्स्ट कर दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद करिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमेशा याद रखिए, कंपेयर करना या कुछ भी अरेंजिंग अरेंज करना, ये सब डिपेंड करता है दो चीज में। फर्स्ट आपको क्या करना है, काउंट करना है डिजिट को। तो जिसका ज्यादा काउंट होगा, डिजिट का काउंट जो नंबर का ज्यादा होगा, वो नंबर क्या होगा, वो नंबर बड़ा होगा। और जिसका छोटा होगा, वो नंबर छोटा होगा। अगर दोनों सेम होते हैं, डिजिट काउंट दोनों का सेम होता है, तो क्या होगा, आपको क्या करना है, वो नंबर का लेफ्ट साइड से आपको काउंट करना है, लेफ्ट साइड से आपको कंपेयर करना है।
तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।